हेलो दोस्तों, आज ना मैं सबसे पहले आपको एक अकबर और बीरबल की स्टोरी बताती हूँ। आपको पता क्या होता है, एक बार ना अकबर बीरबल की नॉलेज से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बीरबल को बोलता है कि जो भी इनाम तो आज मुझसे मांगेगा तुझे वही मिलेगा। बीरबल बोलता है ठीक है, आपको पता मुझे क्या देना होगा, आज 2 रुपीज का कॉइन, नेक्स्ट डे उसका डबल, उसके नेक्स्ट डे उसका डबल। तो ऐसे डबल करते करते ना महीने के एंड में जितने भी टोटल बन जाएंगे वो आपको मुझे देने होंगे। अकबर बोला ठीक है। फिर वो अपने सैनिकों को बोलता है कि जितने पैसे बनते हैं ना टोटल वो बीरबल को दे दो। फिर स्टार्ट होती है काउंटिंग, चलो देखो कैसे होती है। पहले डे बन जाते हैं 2 रुपीज, फिर 4, फिर 8, 16, 32। तो ऐसे करते करते ना पहले 10 डेज को डिफरेंस नहीं दिखता, बट जैसे जैसे दिन बीतने शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20th डे तक टोटल हो जाते हैं 10,48,000, और वहीं पर जस्ट उसके 5 डेज बाद हो जाती है 3,35,00,000। यदि हम महीने के एंड में देखें ना टोटल हो जाते हैं 107.3 करोड़। इतने पैसे कि अकबर का सारा महल भी बिक जाता है तब भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बीरबल को दे सके। इस पॉइंट पर अकबर काफी ज्यादा सैड हो जाता है और बीरबल को बोलता है तू मुझे इससे क्या सिखाना चाहता था। बीरबल बोला कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। देखो पहले 10 डेज तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं दिखा, बट जैसे जैसे दिन बीतने शुरू हो गए तुम्हारी अमाउंट इतनी बड़ी होगी कि तुम्हें फर्क पड़ने लग गया। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कंपाउंडिंग में। देखो पहले जब तुम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, बट जैसे जैसे तुम्हारा विजन लॉन्ग टर्म हो जाता है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस तरह से ग्रो होती है कि जिसके रिजल्ट इस एग्जांपल की तरह होते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है कंपाउंडिंग का। यदि इस एग्जाम्पल के बाद आपके अंदर भी कीड़ा पैदा हो चुका है कंपाउंडिंग को जानने के बारे में ना, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपाउंडिंग है क्या। इसका सिंपल मतलब पता क्या है, री इन्वेस्ट द मनी यू अर्न फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, चाहे वो इंडेक्स फंड है, वहां से आप जितना भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो उसको फर्दर री इन्वेस्ट कर दो, उसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 100 रुपीज़ पे 10% का इंटरेस्ट अर्न किया जो कि कितना होता है 10 रुपीज़। सो 100 + 10 = 110। अब नेक्स्ट ईयर आपको इस 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा जो कि कितना होता है 121 रुपीज़। तो देखो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे तो आपको इंटरेस्ट मिला जो कि क्या थी 100 रुपीज़। उसके साथ साथ जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया था 10 रुपीज़ का उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग। अब एक चीज़ हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा आती होगी ना, कि वो ये है कि कंपाउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है। आपको पता वो सीक्रेट क्या है, वो है टाइम। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ ना वो मैंने ली है साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक जो कि मॉर्गन हाउसे ने लिखी है। यदि आप जानना चाहते हैं ना कि पैसे की साइकोलॉजी क्या है, क्या हम पैसे को लेकर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, कैसे हम उनको सुधार सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं ना इन सभी के बारे में, तो मैंने इस बुक के ऊपर एक समरी की हुई है जिस वीडियो का लिंक आपको आई टिप में मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। देखो एक साइड थे वॉरेन बफे और एक साइड थे जिम साइमन। वॉरेन बफे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जब वो 10 ईयर्स के थे ना तभी स्टार्ट की थी। वहीं पर जिम साइमन ने जब उनकी एज 30 की हुई तब स्टार्ट की थी। वॉरेन बफे का एनुअल रिटर्न पता कितना था 22% का, वहीं पर जिम साइमन का था 66% का। फिर ना दोनों में शर्त लगती है कि देखते हैं कि किसकी नेटवर्थ जब हमारी एज 65 होगी तब ज़्यादा होगी। आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा होगी? यदि हम लॉजिकली सोचें ना हमें यही लगेगा ना जिम साइमन की ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ना उनका एनुअल रिटर्न वॉरेन बफे के एनुअल रिटर्न से 3 टाइम्स था। यही लग रहा होगा ना, चलो चेक करते हैं। तो वॉरेन बफे की नेटवर्थ निकल कर आई $84.5 बिलियन और वहीं पर जिम साइमन की पता कितनी थी $21 बिलियन। ऐसे कैसे हो गया? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एक चीज इग्नोर ही कर दी, वो है टाइम। हमने ये नहीं देखा कि वॉरेन बफे ने जब उनकी एज 10 थी तब स्टार्ट की थी उन्होंने इन्वेस्टिंग, वहीं पर जिम साइमन ने जब उनकी एज 30 हुई तब उन्होंने स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का गैप था। सोच लो 20 ईयर्स में कितनी कंपाउंडिंग हो सकती है। इसीलिए वॉरेन बफे ने लाइन भी बोली हुई है कि माई स्किल इज माई इन्वेस्टमेंट, माई सीक्रेट इज माई टाइम। तो इसीलिए यदि अभी आप अपने 20s और 30s में है ना, आज इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। तो आई होप इतनी एग्जाम्पल से आपको समझ में तो आ ही चुका हो कि कंपाउंडिंग है क्या। बट स्टिल एक चीज फिर से माइंड में रह जाती है, वो ये है कि जब हम इंडेक्स फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, टेंशन क्यों ले रहे हो? उसके ऊपर भी ना मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, चलो चलते हैं एक्सेल शीट पे समझने के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने निफ्टी 50 का डेटा लिया है 2000 से लेकर 2022 तक। देखो 2000 में मैंने ना सबसे पहले यहाँ पर SIP स्टार्ट की थी,
पर मंथ 6000 की, और पर ईयर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है 6000 इंटू 12 जो कि होता है 72000। देखो फर्स्ट ईयर हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर जाती है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना उस टाइम पर यूएस में हाउस बबल चल रहा था, जिसके कारण मार्केट पहले 13% फिर 17% से गिर जाती है। जैसे कि आपके देखो कि पहले ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर के कितनी रह जाती है 62,640, और नेक्स्ट ईयर गिर के रह जाती है 111,000। अब मुझे बोलोगे ये कम थोड़ी हुई है, ये तो बड़ी है। आपने फिर से एक चीज़ इग्नोर कर दी, वो ये है कि नेक्स्ट ईयर हमने SIP भी तो की है, इसलिए नेक्स्ट ईयर हम टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 62,640 प्लस 72,000 जो कि होता है 1,34,000। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,34,000 से गिर के हुई है 1,11,000। अब हम जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी मार्केट गिरती है फिर रिकवर भी करती है, इसलिए फिर अगले साल ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर करती है और हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 1,98,000। फिर मार्केट हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती है, जैसे कि 2005, 2006, 2007 में हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू टोटल ग्रो की हो जाती है 23,91,000। बट फिर से अगले साल मार्केट गिर जाती है ऑलमोस्ट 51% से। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पर IT बबल चल रहा था, मतलब कि IT के जो भी स्टॉक्स थे वो काफ़ी हद तक गिरे हुए थे, इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू फिर से गिर जाती है और रह जाती है सिर्फ 12 लाख। फिर से मार्केट रिकवर करती है और हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस बार ग्रो की हो जाती है 22 लाख। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि आपको 22 लाख का डबल कितने सालों में मिलेगा? 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स में? आपको पता कितने सालों में मिलेगा? सिर्फ 5 ईयर्स में। स्क्रीन पर देखो 2014 में आपके पास होंगे टोटल 43,68,000। अब खुद सोचिए, यदि आपने यही सेम अमाउंट FD में डाली होती ना, आपको पता आपका पैसा कितने साल में डबल होना था? 10 ईयर्स में। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ना, इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। वापस आते हैं एक्सेल शीट में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता कहाँ है? 2020 और 2021 में देखो। देखो 2020 तक हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है टोटल 84 लाख, वहीं पर जस्ट उसके एक साल बाद हो जाती है 1 करोड़। देखो बेशक आपको 20 ईयर से ज़्यादा समय लग गया अपनी लाइफ का पहला करोड़ कमाने में, आपको पता है आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट करोड़ कितने सालों में अर्न करोगे? सिर्फ 5 ईयर्स के बाद। देख लो चाहे स्क्रीन पर 2027 में आपके पास होंगे 2,21,00,000, और आपको पता है आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट करोड़ कितने सालों में अर्न करोगे? सिर्फ 2 ईयर्स के बाद, और उससे अगला करोड़ एक साल से भी कम समय में। सो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक, कि इनिशियली आपको कोई फर्क नहीं दिखता, बट जैसे जैसे समय बीतना शुरू हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है। अब एक चीज़ फिर से हमारी माइंड में आती है कि मार्केट गिरती भी है ऊपर भी जाती है, क्या कंपाउंडिंग दोनों समय काम करती है? उसकी भी टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है SIP वर्सेस, यहाँ पर कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं जब मार्केट ऊपर गई नीचे गई, वो सारे ये ग्राफ्स हैं। ठीक है, देखो पहले ईयर मार्केट ऊपर गई फिर गिरी फिर ऊपर गई फिर गिरी फिर ऊपर गई, क्या कंपाउंडिंग दोनों समय काम करी? ये ध्यान में रख लो कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, कंपाउंडिंग दोनों समय में काम करती है। तो फर्क सिर्फ यहाँ पर है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ पर पॉजिटिव कंपाउंडिंग काम करती है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो वहाँ पर नेगेटिव कंपाउंडिंग काम करती है। तो ये है आज का कंसेप्ट अबाउट कंपाउंडिंग। यदि आप जानना चाहते हैं ना कि नेगेटिव कंपाउंडिंग क्या है और आपको नहीं पता, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की हुई है जिसका लिंक आपको IT पे मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, तो उस वीडियो का लिंक आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।